we are working in a new project that I will not reveal now, but it's a surprise for everyone. कि मैंने अपना रूट डिसाइड किया था लाइफ में, लाइक एक थर्ड क्लास का बच्चे का सेट किया हुआ पाथ को आज भी फॉलो कर रहा हूँ. तो व्हेन यू आर लाइक 26-27 और आप एक थर्ड क्लास उस बच्चे को आप फॉलो कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है वो. तो आई एम थैंकफुल टू दैट यू नो लिटिल योगेश दैट ही टाउन में बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट होते हैं रिसोर्सेज की. जब आप छोटे जगह से पढ़ते हो और ग्रो करते हो ना और डिफरेंस क्रिएट करते हो, तो उसका मजा कुछ और रहता है. बाद में आईएससी आके इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हो सकता है, पोस्ट डॉक करने कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में चल जाओ, but no one is going to like come behind me, run behind me for small mistakes jo my school teachers ne mere pe kiya. Hello guys, welcome to our channel Your Success Voyage. आज हमारे साथ है मिस्टर योगेश प्रताप सिंह. योगेश सर के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं. तो योगेश सर इज अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईएससी बैंगलोर. So he received the prestigious Prime Minister Research Fellowship PMRF in 2018, and he is the man who proposed the formula to reduce 500 kg in GSLV rocket, jise ISRO ne bhi sara. And he has been working in several projects with aerospace firms like Indian Space Research Organization, National Aerospace Labs, etc. Yogesh sir, Chhattisgarh Ambikapur se hain. उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, उन्हें काफी सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे डीआरडीओ से अवार्ड मिले हुए हैं. इसके साथ ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी रायपुर, और उन्होंने काफी सारे बच्चों को एट अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पढ़ाया भी है. तो आइए जानते हैं और बात करते हैं योगेश सर से उनकी जर्नी के बारे में. थैंक यू सितिजन कुलदीप फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक. थैंक यू सर. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आपके एज इन पर्सनालिटी ले लीजिए जो मुझे लगती है आपके जर्नी में लगती है, वो ये कि आप इतने वर्सेटाइल कैसे हैं सर. आपने रिसर्च किया हुआ है, आप डांस करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, कैसे कर लेते हो सर? क्या सर, और ये सब इतने मैनेज कैसे करते हो सर? रिसर्च भी कर रहे हो, पीएचडी में भी हो. बात ऐसी नहीं है कि मैं मिसमैनेजमेंट नहीं करता हूं. Probably I learned from my mismanagement. वो सबसे important thing होता है. और बात है versatility की, तो मैं believe करता हूँ अपने hobbies को rotate करने का. तो normally सबके कुछ hobbies होते हैं, पर rotating the hobbies जो मेरा strategy रहा है. Basically ऐसा है कि जैसे लोग मान लो gym करते हैं, तो वो रोज gym करने जाते हैं या रोज cricket खेलने जाते हैं. मैं वैसा, और फिर उसके कारण क्या होता है, आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, research कर रहे हो या teach कर रहे हो, और फिर शाम को भी वही काम करोगे, तो मोनोटोनस हो जाता है आपका लाइफ. तो मोनोटोनसिटी कभी अच्छी चीज नहीं है लाइफ में, किसी भी लेवल पे. तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा अपने हॉबीज रोटेट करता हूँ, और उसको कभी गिव अप नहीं किया अपने हॉबीज को. क्योंकि जब मैं रोटेट करता हूँ, तो एक हर चीज में एक न्यूनेस आ जाता है, मतलब एक नयापन आ जाता है, नोवेल्टी आ जाती है कि कुछ नया कर रहा हूँ टाइप का. बाकी रेगुलर बेसिस पे या रेगुलरिटी पे रिसर्च और टीचिंग तो चलती ही रहती है. सर इस पे एक छोटा सा डाउट था मेरे को. सर आप हॉबीज रोटेट करते हो, इन द सेंस अगर आप कोई सिंपलर टर्म्स में बता पाओ तो कैसे रोटेट? जैसे ऐसा समझ कि लाइक ऐसा नहीं जैसे मंथ फुल मंथ लाइक आई एम प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक कभी वीक में क्रिकेट खेल लिए, कभी टू डेज डांस कर लिए, कभी टू डेज ये कर लिए, कुछ नहीं किए दिन भर, तो सोशल मीडिया थोड़े देर चला लिए. तो उससे क्या होता है कि एक चार्म लाइफ में मेंटेन रहता है, वो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोफेशन में. ओके ओके सर, बढ़िया सर. अच्छा सर, आपने बताया कि आप हैबिट्स रोटेट करते हो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, सोशली भी काफी मिलते जुलते हो लोगों से, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, काम में कैसे फोकस रखते हो आप? डिस्ट्रैक्शंस तो होते हैं, पर एक बैलेंस होता है. It's a choice between your refreshment and between distractions. So distractions तो होंगे ही,
पर अगर आप आपके रिफ्रेशमेंट ज्यादा है उसमें तो आपको हमेशा फायदा है। तो अगर सोशल मीडिया की भी बात करूँ तो मैं उसको ऐसा बहुत ज्यादा मीम शेयर करने के लिए, सोशल मीडिया का एक्चुअली में प्राइमरी पर्पज है इंटरेक्ट करना लोगों से, ना कि बैठ के पूरे दिन स्क्रॉल फीड करना। और ये तो मैं जितने देर एक्टिव रहता हूँ ना, अपने को सच में एक्टिव दिखा के एक्टिव रहता हूँ कि मैं किसी के फोटो को एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस फोटो देख लिए इग्नोर करके ऐसे लाइक करूंगा बकायदा, अगर मुझे लगता है तो कमेंट भी करता हूँ, काफी लोगों में कमेंट करता हूँ। सो एक्चुअल जो पर्पज होता है सोशल मीडिया को इंटरेक्ट करना ही होता है, जो कि लोग आजकल ट्रोलिंग बना दिए हैं और मीम शेयर करना बना दिए हैं, वो सब सेकेंडरी होता है, इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए काफी लेवल तक। तो प्राइमरी पर्पज सर्व हो रहा है तब तक कोई चीज बेकार नहीं है, अगर एट पर्टिकुलर लेवल तक किया जाए बैलेंस बना के। ठीक सर। सर हमने तो सुना है जो रिसर्च करते हैं, जो आईएससी में है, वो हमेशा लगे रहते हैं रिसर्च में, आप इतने एक्टिव भी रहते हो। नहीं, उसका बहुत बड़ा रीजन, हाँ कुछ यूएसए में तो यहाँ तक सुना कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो आधे पागल भी होते हैं, तो कितनी सच्चाई है सर? ये जितने लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं और ये सवाल मुझसे पूछते हैं जो आप लोगों ने पूछा, उनको मैं एक ही आंसर देता हूँ कि जैसे अपने आप को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, उसको मैं चेंज नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है कि कोई भी अगर एस्पायरिंग किड्स मुझे देखेगा, जो आगे देख रहा है, एक सोसाइटी में एक नोशन और स्टीरियोटाइप बोलो वो सेट हो गया है कि जैसे तूने बोला, तो उस चीज को लाइक हमें खत्म करना है। ये नहीं दिखाना है कि ये डायरेक्शन बहुत बोरिंग है ना, या लोग इसमें पागल हो जाते हैं, या लाइफ नहीं रहती है इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। अगर उसमें हम लोगों को दिखाए कि इसमें भी बैलेंस मेंटेन रह सकता है ना, आप मतलब एंजॉय कर सकते हो, एक लाइफ में बैलेंस बना सकते हो रिसर्च में आते हुए भी, तो एक आगे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जो हमारे मतलब सोसाइटी में एक नोशन है उसको खत्म करना है, वो भी एक रीजन है। तो इसलिए ये आगे जो भी मेरे को किड्स अगर कोई फॉलो करता है तो उसके लिए काफी मतलब एक अच्छा फीडबैक रहेगा, जो कि फीडबैक गलत आता है सोसाइटी में आज के दिन। ठीक सर। दोस्तों योगेश सर के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने जीएसएलवी रॉकेट में 500 किलोग्राम कम करने का फॉर्मूला बनाया था और पेपर पब्लिश किया था। इस पब्लिकेशन को इसरो द्वारा एक्सेप्ट किया गया और सराहा गया, इन्हें काफी कुछ अवार्ड भी मिला। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका ये ड्रीम कैसे बना, इतना इंटरेस्ट कैसे आया आपको रॉकेट साइंस में? ड्रीम तो बचपन से था, राइट, लाइक वाज इन माय थर्ड स्टैंडर्ड और 2003 का बात है। तो हर ड्रीम का कोई इनिशिएटर होता है, और मेरे लिए कोई इनिशिएटर कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट और एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो बेसिकली 2003 स्टार्ट में फेब में आई गेस कल्पना चावला मैम का डेथ हुआ था, जहाँ से वो न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर हुआ आया। तो मुझे कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था, फ्रीक्वेंटली सुनने में आ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो उससे थोड़ा नासा के बारे में फिर इंटरेस्ट आया, फिर उससे इसरो के बारे में इंटरेस्ट आया, एंड देन लेट आई थिंक मिड या लेट 2003 में ही जीके का मेरा सब्जेक्ट चल रहा था, मैं क्लास थर्ड में था, एंड देन उस टाइम जैसे चैप्टर्स होते थे जीके में कि ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, एंड ऑल द प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, ऐसे कैसे नेम्स याद कराया जाता था हमें। तो पहला प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट का चैप्टर आता है, जिसमें लास्ट प्रेसिडेंट 2003 में एपीजे अब्दुल कलाम करंट प्रेसिडेंट थे। हाँ हाँ सर। में फिर टीचर ने किया कि इतने बड़े मिसाइल मैन है और इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वहां से साइंटिस्ट का अंदर में आ गया। और नेक्स्ट ईयर जब हुआ कि जब 9 प्लैनेट्स वाला चैप्टर चालू हुआ, तो जब बताया कि भाई हम लोग इतने छोटे हैं, प्लैनेट इतना बड़ा है, प्लैनेट के बाहर इतने प्लैनेट हैं, देन ऑल ऑफ देम आर इन सोलर सिस्टम, तो वो सब सुनने के बाद आदमी जब स्पेस का साइज इमेजिन करता है तो मिस्टीरियस टाइप का लगता है, तो वो काफी फैसिनेटिंग लगा। और उस दिन जाके मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया, तो मेरे फादर ने लाइक प्ली बुक मेरे को लाके उसी दिन दी, तो वहां से मेरा ड्रीम चालू हुआ। सर आपका मैंने इंटरव्यू देखा था ईटीवी में, कि वहां पर एक बच्चा दिखाया गया था आपको, जो दर्शाया गया था जो बच्चे के रूप में, कि उसके पास बहुत सारे जो स्पेस क्राफ्ट के और सोलर सिस्टम के फोटोज पड़े हुए हैं, कॉमिक्स पड़े हुए हैं, क्या आप सच में जो ऐसा रखते थे कलेक्शंस? मतलब ऐसा था कि फिफ्थ क्लास में मैंने अपने खुद एक न्यूज़पेपर लिखी थी, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए, जितने करंट न्यूज आते थे स्पेस के पिछले एक साल तक, उसको मैं कलेक्ट कर करके और फिर उसको
अपने वे में लिखता था, तो मतलब ऐसा था कि जितनी कटिंग थी, जितने न्यूज़पेपर से कहीं कहीं से लाके मेरे फादर रिलेटिव्स और सब उनको पता था मैं इतना इंटरेस्टेड था, तो उस वे में मैं काफी रीड करता था। इनफैक्ट सिक्स सेवेंथ क्लास तक मैं 30-40 जो बुक्स थे वो यूनिवर्स पे थे खाली। तो फिर धीरे धीरे मैं और भी अपने नॉलेज, मतलब जब साइंस में इंटरेस्ट आने लगा, इस बेस्ड साइंस पे थोड़ा हट के, फिर मेरे लगभग लाइब्रेरी में मैंने क्लास 8 क्लास 9 तक 300-400 बुक्स कलेक्ट कर लिए थे। तो बर्ड्स एनिमल्स और सब काफी फिर रीडिंग हैबिट आ गया साइंस में। सही है सर, मतलब बेसिकली जब आप थर्ड क्लास में थे आप तब से आकाश गंगा में खो चुके थे। काइंड ऑफ मतलब ये कि मैंने अपना रूट डिसाइड किया था लाइफ में, और उस चीज के लिए मैं आज भी अपने को प्राउड करता हूँ कि मैं लाइक एक थर्ड क्लास का बच्चे का सेट किया हुआ पाथ को आज भी फॉलो कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत इंस्पायरिंग है, सेल्फ इंस्पायरिंग बोलो या कुछ भी बोलो, कि आप जिस पाथ पे आज चल रहे हो व्हेन यू आर लाइक 26-27 और आप एक थर्ड क्लास जब आप प्रोबेबली आई थिंक 9-8 साल के हो गए, उस बच्चे को आप फॉलो कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है वो। तो I am thankful to that, you know, little Yogesh that he like set this path for me, and I think he has contributed a lot in my life without knowing what that time. Yeah, sir, definitely. Sir, आप जब third class में थे तब आपने एक dream भी नहीं मैं बोलूँगा, आपने curiosity जागा कि ये है इसके बारे में, आपका interest develop हुआ, फिर धीरे धीरे मे भी शायद वो गोल एज अ प्लान डेवलप हुआ, पर सर अभी तक कैसे मेंटेन किया आपने? कितने साल हो गए सर उस ड्रीम को, जब आप थर्ड क्लास में थे अभी आप 27 साल के हो गए, इतने साल तक सर? लगभग 20 साल हो गए उस ड्रीम को। हाँ सर, तो कैसे मतलब आप कैसे अभी तक फोकस्ड हो उस गोल पे? आपकी हॉबीज भी काफी सारी, आप रोटेट भी करते रहते हो, पर एट द एंड लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी फोकस्ड हो, आपको क्लियर है कि आपका एंड गोल क्या है, पर थर्ड क्लास से क्लियर है सर, आपने छोड़ा नहीं है, कैसे मेंटेन किया सर? लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट हो, पर्सनल एस्पेक्ट हो, ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी ऑफ माइंड हर कुछ में होना चाहिए, चाहे आप क्रिकेट ही खेल रहे हो या अपना पर्सनल लाइफ, क्लैरिटी काफी होनी चाहिए। और इनफैक्ट जब भी आदमी मेस्ड अप रहता है या क्लैरिटी नहीं रहती है तो वो डिफिकल्ट टाइम हो जाता है किसी के लिए। तो जो क्लैरिटी था, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काम करना था तो मैंने बुक्स पढ़ने चालू किए। इनफैक्ट मैं बहुत मीडियम स्टूडेंट था, पर ये इंटरेस्ट के कारण मैं थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट लिया, फोर्स करके ही समझ या कैसे भी समझे, पर वो एक इंक्लिनेशन दे दिया तो मैं उसी अलॉन्ग चला। ठीक है, ऑब्वियसली किसी कोई अब अपना करियर चुनता है तो वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और वो दोनों बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब पढ़ने में उतने अच्छे नहीं और आप बहुत लंबी एम बना लिए, मतलब उसके लिए बहुत हार्डवर्क लग जाएगा। तो समय के साथ, क्योंकि मुझे पता था इसी डायरेक्शन में चलना है, तो मैं चलता गया और उसके कारण अब आप एक ही डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हो तो धीरे धीरे ग्रेजुअल तो आप ग्रो करोगे ही कभी ना कभी। तो इसलिए क्योंकि उसी चीज को मैं चेस किया और उसी हिसाब से अपने करियर को भी चुना आगे, तो इसलिए कभी उस क्लैरिटी को मतलब धुंधला नहीं होने दिया। ठीक सर। सर, जैसे हर सफल इंसान या हर वो इंसान जो सफलता की रास्ते में चल रहा है उसके पीछे एक बैक सपोर्ट होता है, बहुत तगड़ा बैक सपोर्ट होता है, लाइक फैमिली हो गए, दोस्त हो गए, स्कूल लाइफ्स हो गए। आपके जीवन में आपके फैमिली, आपके स्कूल लाइफ, आपके दोस्तों का कितना प्रभाव रहा आपके ड्रीम के लिए? फैमिली स्टार्ट करते हैं फैमिली से। इफ यू टॉक अबाउट फैमिली, लाइक पापा आई थिंक मैं तो थर्ड फोर्थ में था तो बहुत मतलब फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं थे। इनफैक्ट एट्थ क्लास तक मेरे पर ऐसे था कि मेरे फादर ने खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा लाइफ में, लाइक अभी तक कुछ नहीं खरीदा है। और ऐसा था कि जैसे अब बहुत से मेरे सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास थोड़े पैसे रहते हैं तो लाइक कुछ जमीन खरीद लेते हैं, कुछ ये खरीद लेते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टी कुछ और है, पर मेरे फादर की प्रॉपर्टी वॉज ऑलवेज लाइक माई एजुकेशन। तो जितना कुछ था थोड़ा बहुत मेरे एजुकेशन पे लगाए, और अलग अलग जैसे मैं अगर जो पब्लिकेशन होते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट, आई थिंक अरिहंत, ऐसे ऐसे जो होते थे वहां से वो मतलब अलग अलग बुक्स को कलेक्ट करके लाते थे, जो स्टॉल लगते थे, जो बस वैन आती थी वहां से मेरे लिए बुक्स लाते थे और मैं पूरी पूरी बुक खत्म करता था।
समझ सकते हो कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी फादर ने बुक्स लाके दिया मुझे, मेरी जिद भी थी पर फादर भी उस चीज को बहुत सपोर्ट करते थे, और मदर फादर दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा स्टडीज में बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे चाचा लोग हैं और मेरे जो पूरे फैमिली से, वो लोग भी जब भी कोई गिफ्ट लाते थे तो वैसी बुक्स ही लाते थे, तो सब लोग कंस्ट्रक्टिव हो गए मेरे डायरेक्शन में। कमिंग टू माई स्कूल का तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों, क्योंकि लाइक मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ, स्मॉल टाउन में बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट होते हैं रिसोर्सेज के। इवन अगर हम अगर अपने स्टेट में इफ यू रिमूव भिलाई रायपुर एंड लाइक बिलासपुर टू सम एक्सटेंट, उसके अलावा कहीं कोचिंग भी नहीं था मतलब पहले जब हम पास आउट हुए थे, तो ऑनलाइन तो उस समय कोई मीन था नहीं, तो कंस्ट्रेंट तो बहुत सारे थे रिसोर्सेज के। पर ये कि जब आप छोटे जगह से पढ़ते हो और ग्रो करते हो ना और डिफरेंस क्रिएट करते हो, तो उसका मजा कुछ और रहता है। तो मेरे जो स्कूल टीचर्स थे, आई नो कि वो मे बी नॉट द बेस्ट ऑफ द स्कूल इन छत्तीसगढ़, अच्छा स्कूल है लोकल लेवल पे, पर वहाँ के जो टीचर्स हैं, इनफैक्ट हर स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, वो जो बच्चे पे पर्सनली ध्यान देते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। स्पेलिंग मिस्टेक तक देखते हैं आपको कॉलेज में, आज मैं आईएससी आ गया, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट, हो सकता है पोस्ट डॉक करने कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में चल जाऊं, पर नो वन इज गोइंग टू लाइक कम बिहाइंड मी, रन बिहाइंड मी फॉर स्मॉल मिस्टेक्स जो मेरे स्कूल टीचर्स ने मेरे पे किया। तो वो सबके साथ होता है, और उस समय हमको लगता है कि वो जानबूझ के लाइक दे आर वेरी रूड टू अस एंड ऑल दोस थिंग्स, पर अगर देखोगे तो नॉन टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल वे में कि यार योगेश यू मिसबिहेव, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, वो सब चीजें भी वो फीडबैक देते थे। तो वो एज अ पर्सन एटीट्यूड ग्रो करने में है ना, तो वो सब। अब जैसे बहुत लोग हैं जो डमी स्कूल में चल जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि आईआईटी में ऐसे नंबर लाने हैं, और वो मैनेज भी कर लेते हैं, पर जो आप एक प्रोसेस से सीखते हो वो स्कूल सिखाता है, वो आपका पर्सनल स्ट्रगल सिखाता है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब उसका कोई वो नहीं है। तो आई एम ग्रेटफुल टू माई स्कूल एंड माई स्कूल टीचर्स की उन्होंने मेरे को एक लंबे रेस का घोड़ा बनाया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि स्कूल ने आपको काफी सपोर्ट किया, सर तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे यूटिलाइज किया स्कूल को, या कोई अगर बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है वो स्कूल से कैसे बेनिफिट ले सकता है, जो रेगुलर स्टडीज कर रहा है, कुछ डमियों में नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहता है, जो स्कूल में सीखना चाहता है, वो कैसे बेनिफिट ले सकता है स्कूल की, कैसे यूटिलाइज कर सकता है? तो स्कूल तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि स्कूल ही ऐसा जगह है वेर यू कैन एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस फ्रॉम स्पोर्ट्स टू डांस टू एवरीथिंग। ठीक है, आई वाज लाइक क्लियर इनफ कि व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव, बट नॉट स्टूडेंट्स आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, एंड यू नो इवन आफ्टर कमिंग टू कॉलेज मैनी आर नॉट क्लियर। सो स्कूल यू नो स्पेशली द हाई स्कूल और यू कैन से आफ्टर सेवेंथ और एट्थ क्लास it will like if they explore many options in school, there are so many programs being held, so agar waisa kuch hota hai so in that case it will give them a clear objective in their life what to do and what not to do, or the attitude of a person na sahi banta hai basically college mein aane ke baad aadmi you know some chill ho jata hai bas zyada, to school ka attitude build up karna bahut zaruri hai, jo bhi attitude rehta hai wahi se build up hota hai, so टेक्निकलिटी तो जब आप पढ़ोगे तो वो बिल्डअप हो ही जाएगी टाइम्स, आप अभी पढ़ोगे अगले दिन नहीं पढ़ोगे तो वो फिर आप डेटोरिएट होते हो, पर लाइक टेक्निकलिटी असाइड स्कूल से आपको एटीट्यूड बिल्ड करने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस पे, उस प्रोसेस में कैसे एटीट्यूड इन द सेंस टेक्निकल भी, कि आप कोई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, आप किस तरह से किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो और आप कितने चीजों को एक्सप्लोर करते हो, ऑल दोस थिंग्स जो है वो एटीट्यूड में आती है और वो स्कूल से सीखना चाहिए। और गाइस आपको बता दें कि योगेश सर के प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो योगेश सर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जरा कि वो क्या हैं, किस बारे में हैं? बहुत ज्यादा टेक्निकल में तो नहीं घुसेंगे क्योंकि अपने ऑडियंस हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हों। तो बेसिकली जो मेरा अभी पीएचपी पे जो एरिया है वो रोबोटिक्स एंड डिजाइन का है, मैकेनिकल का जो डिजाइन एस्पेक्ट है, तो जो मेरा पीएचडी प्रोजेक्ट है जो कि मेरी प्रायोरिटी है अभी, तो इट्स ऑन डेवलपिंग अ रोबोटिक मैकेनिज्म
जो कि स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं हमारे मेनली ये इसरो का प्रोजेक्ट है, और जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं उसमें बहुत सारे रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं जिसके कारण माइक्रो वाइब्रेशन डेवलप होते हैं, और जो कि सेंसिटिव जो सेंसिटिव सेंसर्स या कैमरास होते हैं उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण कैमरास में जिटरिंग हो जाती है। तो आप समझ सकते हो जब आप सेल्फी ले रहे हो और आपका हाथ हिल जाता है तो क्वालिटी ब्लर हो जाती है, तो वो चीज सेम चीज वहां पे माइक्रो लेवल पे अप्लाई होता है, इवन माइक्रो वाइब्रेशंस आर डेंजरस। सो उसको आइसोलेट करने का हम रोबोटिक मैकेनिज्म बना रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ उसका इसरो में टेस्टिंग भी है, और इस प्रोजेक्ट को मैंने लगभग अभी तक 2 countries में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट भी किया है और पब्लिश भी है वो, और हमारे जो सबसे बड़ा पब्लिशर है अमेरिकन सोसाइटी उसमें भी इस पेपर को अभी रिसेंटली एक्सेप्ट हुआ है, और वो कॉन्फ्रेंस इसी टॉपिक पे यूएस में है अगस्त में, तो मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई की उसको अटेंड कर पाए, वीजा और सब कुछ स्मूथ चला। तो जो मेरा बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट रहा जो मैं बीटेक टाइम से कैरी करते आया हूँ, और जो आपने जैसे बताया कि ईटीवी में भी कवर हुआ, और उसके लिए हम लोग को एक नहीं दो दो बेस्ट पेपर अवार्ड मिला, डीआरडीओ से भी मिला, आईएससी से भी मिला, मिनिस्ट्री से भी मिला, तो और उसकी जो पब्लिकेशन है डीआरडीओ ने भी एक्सेप्ट किया है, एक पब्लिकेशन जो ऑलरेडी पब्लिश है, इसरो वाला पब्लिश होने वाला है, इसरो ने जो एक्सेप्ट किया है, और भी पब्लिकेशन है। तो वो बेसिकली हमने ये किया कि रॉकेट अपने जो GSLV है उसके रॉकेट को डिजाइन मॉडिफाई करके लगभग 475 kg लगभग रिडक्शन हमने दिखाया है, और शुरू में तो हमने उस मैंने जब काम चालू किया तो डिजाइन एस्पेक्ट पे काम किया था, पर फिर मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने ज्वाइन करके क्षितिज भी पार्ट रहा है ज्वाइन करके उसको मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल स्केल टेस्टिंग पे हम ले आए अपने लेवल पे, और होपफुली अगर उसको उसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे और लार्जेस्ट स्केल पे ले जाएंगे, तो अब तक जितना हुआ डायरेक्शन बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत एंकरेजिंग है उसके। और कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट नए प्रोजेक्ट्स में कुछ समथिंग बिग इज गोइंग टू कम, मतलब ऐसा समझिए कि कुछ सरप्राइजिंग है, कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और हो सकता है कि कुछ दिन में मतलब काफी क्लोज लोगों को मैंने वो प्रोजेक्ट बताया है बस, तो वो बहुत यूजफुल रहेगा और बेटर है कभी आगे उसके बारे में ही बताऊं ना ही बताऊं तो। सर मुझे याद है जब अमित शाह अंबिकापुर आए थे किसी प्रोग्राम में तो आपको वहां अवार्ड मिला था आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि वो क्या था, किस लिए अवार्ड मिला था? वो एक्चुअली मैं अब जैसे यू आर आल्सो फ्रॉम द सेम सिटी, तो कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इफ यू रिमूव रायपुर अंबिक भिलाई एंड लाइक बिलासपुर टू सम एक्सटेंट, उसके अलावा सारे रीजंस आर लाइक वेरी इनर्ट और रिमोट है ना, वेल इक्विप नहीं है, तो कुछ भी आप मतलब जैसे हमारे यहाँ तो लोग रिसर्च वगैरह में जाते नहीं है, तो कुछ भी एक्सेप्शनल अचीवमेंट करते हैं तो जब भी कोई बड़ा पॉलिटिशियन आता है कहीं पे तो हर एक सेक्टर पे, चाहे वो जैसे मेरे एक फ्रेंड ने माउंट एवरेस्ट पे लाइक क्लाइंबिंग की थी तो उसको भी उन्होंने अवार्ड किया, तो जैसे वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स कैटेगरी में उनको अवार्ड किया था, वैसे ही कोई किसी को रूरल डेवलपमेंट और ऐसे सेक्टर्स में अवार्ड मिलता है, तो मुझे एजुकेशन सेक्टर में अवार्ड मिला था, तो दैट इज लाइक नथिंग, कोई नेम नहीं उस अवार्ड का, बट इट्स लाइक अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन इन फ्रंट ऑफ योर लोकल ऑडियंस की हाँ समवन इज देयर फ्रॉम योर सिटी। ओके दैट्स नाइस सर। तो जैसा कि आप रिसर्च फील्ड में हो, आप PhD कर रहे हो, तो सर मेरा ये सवाल था कि जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग में है या किसी फील्ड में, और अगर उनको कुछ एकेडमिक रिसर्च करना है या उनको इंटरेस्ट है उनके टॉपिक्स पे सब्जेक्ट पर, उनको कुछ रिसर्च करना है उस पे एकेडमिकली या जैसे भी, तो सर क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास? फॉरेन में तो अपॉर्चुनिटीज है ही, फॉरेन की GRE की इस पे तो हम लोग बात नहीं करेंगे, पहले तो वी विल लाइक कन्फाइन आवर सेल्फ टू आवर कंट्री ओनली। तो IITs और IISc में काफी अच्छा एकेडमिक रिसर्च होता है, एंड कुछ और भी इंस्टीट्यूट है फिजिक्स के तहत TIFR और मतलब पर्सनल लेवल पे, पर लाइक IITs एंड IISc फॉर इंजीनियरिंग इज गुड, एंड और इसमें भी बहुत सारे रिसर्च में बात करें अभी, एक तो मास्टर्स हो जाता है, दैट इज लाइक मास्टर्स बाय कोर्स,
जिसमें जो नॉर्मल 2 ईयर्स का मास्टर्स जो वो तो कोर्स होता है, बेसिकली आप प्लेसमेंट्स के लिए जाते हो या आगे आपको पीएचडी करने के लिए जाते हो। तो मेनली हम लोग अगर रिसर्च की बात करें तो वो या तो एमटेक रिसर्च होता है जो कि 3 ईयर्स का होता है लगभग, जिसमें आप शॉर्ट टर्म रिसर्च करते हो एक तरह से, पर आपको डिग्री मास्टर्स मिलती है, और एक होता है पीएचडी आपका। तो पीएचडी, अब जैसे पीएचडी में लोगों को बहुत मिथ होती है कि 5 साल का होता है, जैसे मेरे को भी लोग बोलते हैं कि तेरा 5 साल होने वाला, लाइक इट इज अबाउट टू कंप्लीट, इट इज नॉट लाइक दैट। वो टॉपिक टू टॉपिक भी डिपेंड करता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका एडवाइजर कौन है, आपका गाइड कौन है, आपको कितने देर में पीएचडी दे रहा है, आपकी पब्लिकेशन कैसे हो रही है, आपके काम कैसा चल रहा है। ये पीएचडी बहुत एवरेज, अगर आप आईएससी में बात करोगे तो साइंस में तो 6 ईयर्स तक चल जाता है एवरेज, और इंजीनियरिंग में 5.5 लग ही जाता है आईएससी में। सो बोलने की बात है, कई लोग ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई 4.5 साल में कर रहा है तो वो अच्छा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइक टॉपिक क्या है आपका एंड आपका गाइड कैसा है। तो ऐसा कुछ पाथ मतलब फिक्स नहीं है पीएचडी का, बट ये लोग इसको डिग्री की तरह लेते हैं, बट इट्स अ प्रोसेस, एक्चुअली ये प्रोसेस है जिसमें आप सीखते हो और ये चीजें, बाकी ईयर्स कुछ ऐसे मैटर नहीं करते। सर जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब आप फोर्थ ईयर में थे, और तब ना सर से कॉलेज में आप काफी फेमस हो गए थे इस नाम से कि आपको डायरेक्ट पीएचडी मिल गई है, आपको पीएमआरएफ मिल गया है। तो सर आप थोड़ा सा बताएंगे, ये मैं काफी मुझे बड़ा अजीब लगा था कि ये डायरेक्ट पीएचडी क्या मतलब, आप बीटेक से डायरेक्ट पीएचडी कर लिए या वो पीएमआरएफ स्कॉलरशिप होती है, क्या होती है सर ये, क्या इसका सीन है, क्या अपॉर्चुनिटी है, या बच्चे अगर अप्लाई करना चाहे तो। सो बेसिक आइडिया ये है गवर्नमेंट का डायरेक्ट पीएचडी इंप्लीमेंट। तो डायरेक्ट पीएचडी बेसिकली जो आप समझ रहे हो कि पीएचडी मतलब मास्टर्स आपको साथ में देते हैं, पर बेसिकली आप घुसते हो पीएचडी प्रोग्राम में, आप बीच में ऐसे छोड़ के रेयर केसेस में, जैसे कुछ मेडिकल रीजंस हो तो आपको मास्टर्स देख के दे कैन, अगर आप बीच में छोड़ते हो तो दे कैन लाइक गिव यू मास्टर डिग्री एंड रिलीज कर सकते हैं, पर नॉर्मली आप घुसते पीएचडी प्रोग्राम में हो तो डायरेक्ट पीएचडी आप पीएचडी में घुस रहे हो। अब इंटीग्रेटेड पीएचडी डायरेक्ट में थोड़ा फाइन फर्क है। इंटीग्रेटेड पीएचडी जो आज भी बायोलॉजी डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट में कैरीड आउट है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप पहले 2 ईयर आप मास्टर्स करते हो, मतलब ऐसा समझो आप पहले मास्टर्स जैसे नॉर्मली कर रहे हो वैसे कर रहे हो, फिर आप पीएचडी में घुसते हो। तो एडवांटेज तो ये है कि आप 2 साल मास्टर्स करके आप ड्रॉप आउट कर सकते हो हमेशा, पर इफ यू सी आप 2 साल के बाद फिर पीएचडी करते हो, दैट टेक्स अनदर 4 to 5 ईयर्स। तो जब आपको एंड में पीएचडी करना है, सो लाइक आप मास्टर्स किसी और टॉपिक पे कर रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक हो सकता है पीएचडी टॉपिक कुछ आपका चेंज, बहुत लोग का होता है वैसा, सेम डोमेन में भी नहीं होता है, कई लोग थर्मल में वो कर रहे हैं और फिर इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं मैनेजमेंट्स एंड ऑल दोस्त में पीएचडी करते हैं या डिजाइन में पीएचडी करते हैं, तो अलग डोमेन हो जाता है। तो बोलने का ये मतलब है कि जब आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च ही करना है तो गवर्नमेंट ने उस टाइम गैप को कम करने के लिए, ताकि आप अगर आपको रिसर्च में जाना ही है, टीचिंग में जाना है या लॉन्ग टर्म में आप रिसर्च को देख रहे हो, तो आपको डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में डाल देंगे, और जो मास्टर्स जो आपने पढ़ाई की है ना जो 2 साल की, उसमें एक्स्ट्रा कोर्सेस आपको पढ़ने पड़ेंगे पीएचडी में। जैसे एक नॉर्मल जब मास्टर्स करके आप आते हो 4 कोर्सेस करते हो, जब आप डायरेक्ट पीएचडी में आते हो तो लगभग 10 कोर्सेस करते हो आप, तो वो जो 6 कोर्सेस आप एक्स्ट्रा लेते हो कवर कर लेते हो जो आपने मास्टर्स में नहीं किया है उस चीज का, एंड देन इट बिकम्स इक्विवेलेंट कि आप भाई पीएचडी के कैंडिडेट हो जाते हो एक तरह। पर हाँ, इट्स अ टाइम सेविंग थिंग, क्योंकि आप मास्टर्स में 2 साल लगभग इन्वेस्ट करते हो, और जो एक्स्ट्रा 4-5 कोर्स है वो तो आप 1 से 2 सेम में कर लोगे, तो जो 2 साल वहां पे वेस्ट होता है वो आप 1 से 2 सेम में कर सकते हो, वेस्ट नहीं बोल सकते, इन्वेस्ट ही होता है, बट जो टाइम स्पैन है, पर एटलीस्ट टाइम गैप देख के कोई, अगर मैं अभी मास्टर्स करके जाऊंगा तो मेरे पीएचडी होते होते प्रोबेबली 30 हो जाता, तो वो एक सेविंग हो जाता है, और यू नो एज बहुत बड़ी फैक्टर होती है बहुत चीजों में लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट था आई थिंक पीएमआरएफ का। पीएमआरएफ का तो बेसिक आइडिया था, इट वाज लाइक कि वही है कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बाहर चल जाते थे, क्योंकि अगर आप यूरोप में देखोगे तो पीएचडी इज लाइक अ फुल टाइम जॉब, बल्कि यहाँ पीएचडी इज लाइक आपको मिनिमम वेज जो होता है जो 16,000 इंडिया में कैलकुलेटेड है, उतना मास्टर्स वालों को स्टाइपमेंट मिलता है, पीएचडी वालों को उसका डबल मिलता था, तो मिनिमम का डबल समझिए। सो दैट वाज नॉट लाइक आप 6 साल अपने लाइक यंग एज और डायनामिक एज को यूटिलाइज कर रहे हो फॉर सम 30-35,000 रुपीज, सो वो वर्थ नहीं लगता था लोगों को, और बहुत रीजन है, मतलब ये एक रीजन ही फाइनेंशियल, ऊपर से जो फंडिंग की भी रीजन होती है, हमारा सिस्टम भी स्लो है थोड़ा, तो बहुत रीजन से ब्रेन ड्रेन हो जा रहा था बहुत ज्यादा।
तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट में एक तरह से एक रखा कि हम आपको लगभग जॉब की इक्विवेलेंट, ताकि जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स है जो जॉब में चल जा रहे हैं ड्यू टू आई नो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इन पीएचडी, तो उनको एक 70,000 to 80,000 जैसे इंक्रीमेंट की तरह से, जैसे हम लोग 450 ईयर में आ गए तो 80 कर दिया है पर मंथ, दैट बिकम्स इक्विवेलेंट टू योर जॉब। एंड देन उसके अलावा आपको 10 लाख का एक्स्ट्रा ग्रांट देता है ताकि आपको किसी तरह से फंडिंग की दिक्कत मत हो, आपके जेब से पैसा मत चल जाए। तो ये प्रोविजन करके बेसिकली ब्रेन ड्रेन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको लाया। और पीएमआरएफ से ऐसा हो, जब हमारे समय में था तो पीएमआरएफ एक अलग मोड ऑफ एंट्री था जिसमें आप इंटरव्यू देते थे, हमने इंटरव्यू दिया है अपना, फिर प्रोजेक्ट दिया है, तो उस समय अलग से मतलब इंटेक थोड़ा अलग था। पिछले 2 सालों में थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने ये किया कि जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में इंटेक हो चुके हैं जो बच्चे, जो भी मोड से, मतलब मास्टर्स करने के बाद मान लो कोई आईआईटी में एडमिशन ले लिया पीएचडी में, तो उनका करंट परफॉर्मेंस देख के इंस्टीट्यूट में है ना, और बिना किसी मतलब लाइक उनका उन्होंने जब आईआईटी में एंट्री लिया कहीं ली तो इंटरव्यू अपने स्कोर से लिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो उनका जो इंस्टीट्यूट में आने के बाद परफॉर्मेंस रहा और जो उनका रिसर्च टॉपिक है उसको देखते हुए और उनका मतलब बैकग्राउंड सब देखते हुए अब उनको उस तरह से पीएमआरएफ मिल रहा है, तो थोड़ा ट्वीक हो गया पीएमआरएफ। तो पीएमआरएफ में कुछ नहीं रहता है, आपका फेलोशिप एक्सटेंड रहती है बस। और हाँ मतलब अगर ड्रॉबैक देखेंगे तो आपको साल में 2 बार रिव्यू रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो काफी टफ हो जाता है। जैसे हम लोग देते हैं साल में 2 times और प्लस एक नॉर्मल पीएचडी वाला एक लगभग 1 साल में 1 बार देता है और हमको लगभग 2 बार देनी पड़ती है, जो कि 6 months में कुछ सिग्निफिकेंट रिसर्च दिखाना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो चैलेंजिंग पार्ट है पीएमआरएफ में, बट अगेन इट्स अ गुड मूव कि लोगों को एकेडमिक्स में एनकरेज किया जा रहा है, तो इट्स फाइन। सर बहुत कुछ आपने बता दिया पीएमआरएफ पीएचडी के बारे में, अब आपके लॉन्ग टर्म विजन के बारे में हम जानना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म विजन तो बेसिकली हमेशा ये रहा है कि लाइक आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री थ्रू माई नॉलेज, वो मेरा लॉन्ग टर्म विजन रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि लाइक आई गेट सम गवर्नमेंट जॉब और सम हाई लेवल पोस्ट एंड देन सेटल, यू नो एक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मेरे नॉलेज का, जो मैं इतने अपने आप को यू नो एक तरह से खींच रहा हूँ इतने सालों से एजुकेशन और साइंटिफिक नॉलेज के पीछे। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि मैं कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, स्पेशली गिवन द फैक्ट दैट हमारे छत्तीसगढ़ से ऐसा कुछ सीन नहीं है दूर दूर तक, रिसर्च का तो कुछ भी नहीं है ज्यादातर, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। एंड शॉर्ट टर्म गोल इज प्रोबेबली कि अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करूं, ताकि जो मेरे यू नो आसपास जो भी मेरी सोसाइटी है या जो भी यू नो उनको एक अच्छा एग्जाम्पल जाए, एक अच्छे सीनियर की तरह, एक अच्छे लाइक कलीग की तरह सबको एक अच्छा एग्जाम्पल दूं कि रिसर्च इज ऑल्सो अ गुड यू नो प्रोस्पेक्टिव। ऐसा जो जैसा दिखाया जाता है हमारा सोसाइटी में वैसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन लाइक इफ यू गेट अ गुड टॉपिक, इफ यू गेट अ गुड गाइड टू वर्क विथ ना, इफ यू हैव इंटरेस्ट, तो वो आपको एक डिग्री नहीं लगेगा, वो आपको एक प्रोसेस लगेगा, वो आपको एक ऐसा लगेगा कि आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, रोज आप उठते हो। बट अगेन इट्स नेवर टू इजी, बिकॉज आप जब पीएचडी करते हो तो आप लगभग चाहे कितना भी सक्सेसफुल यू नो यहाँ का स्कॉलर हो, या मतलब हम लोग तो यहाँ रोज लगभग इंडिया के बेस्ट स्कॉलर के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, तो पर्सनली हमारा जब बेस्ट ऑफ टाइम्स भी हम जो यहाँ हमने बिताया है उसमें भी हम 80% ऑफ द टाइम फेल्ड रिजल्ट्स के साथ ही सोते हैं, सबके साथ होता है ये। वो फेलियर हैंडल करना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने एटीट्यूड की बात की, तो 80% ऑफ टाइम आप ऐसे सोते हो कि यार नहीं पता क्या होगा लाइफ में, पर 20% टाइम से आप मोटिवेट होते हो, और कई लोगों का वो 20% भी नहीं आता है, वो 0% हो जाता है कि आप पूरे साल रिसर्च किए, इट एंडेड इनटू डेड एंड और समथिंग, तो सुसाइड केसेस भी आप सुनते होंगे। तो अगेन यू नो वो एक प्रोस्पेक्टिव है, आप लाइफ को कैसे देखते हो, फेलियर्स को कैसे देखते हो। तो एक अच्छा, वही मैंने जैसे बोला कि एजुकेशन करके और एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ सबको, ताकि लोग इस लाइन को भी एक अच्छे वे में देखें। Okay. Sir, so basically what you're telling is that science is fun and research is really good. Okay. Sir, so in accordance with this, I just want to ask for your advice. जो अभी young बच्चियां हैं जो अभी school में हैं या जो अभी college में हैं, तो आप उनको क्या advice करना चाहेंगे अगर कुछ करें तो?
you know, first of all, I don't want to repeat, you know, those things which all of the people tell, like, and dedication and then that are like prerequisite. Now, so aaj ke din pe all are knowing that without that, nothing is going to work for you, right? So I will add something to that, because, you know, I don't want to be repetitive in those sense. So if something I could add is that, you know, a proper balance of life is to be maintained, because, you know, if you don't maintain your personal life, or if you don't maintain, you know, your attitude, or, you know, so in that case, you can even like end up disturbing your technical life also. So like scientific life in my case. So it's important that, you know, you balance your life. It's not like in my case, what I'm telling, like मैंने हमेशा like set किया है goal अपने लिए, technical goal set किया, सब अपने लिए technical goal ही set करते हैं, कोई भी अपने लिए एक personal goal नहीं set करता कि मैं, मेरे इतने दोस्त होंगे या मैं इससे ऐसे behave करूंगा, ये सब कोई भी set नहीं करता इनफैक्ट, और इसको बोलते हैं हम non technical goals. तो पहले जैसे कुछ सालों पहले तक मैं सिर्फ technical goal set करता था, जो कि बचपन से set करते आया हूँ और जरूरी भी है, और जब तक मैं technical goal follow किया हूँ मुझे gradual results मिले हैं क्योंकि मैं hard work किया हूँ, that is right. पर जब से मैंने नॉन टेक्निकल गोल्स भी साथ में सेट किए हैं, तो मेरे ग्रुप में पर्सनली बता रहा हूँ, एक बहुत मतलब स्टीप राइज मिला. तो वो मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब मैंने अपने लाइफ को बहुत बैलेंस किया, हर एक एस्पेक्ट को लुक किया, राइट फ्रॉम पर्सनैलिटी टू लाइक यू नो एटीट्यूड से लेके हर कुछ को जब किया, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज मेरे टेक्निकल लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगा. तो ग्रोथ आई थिंक बहुत अच्छा रहा उसके बाद, और इसलिए मैं आई रिकमेंड दैट यू नो अलोंग विद लाइक दिस टेक्निकल गोल्स वी शुड आल्सो हैव सम नॉन टेक्निकल गोल्स टू बी अ गुड पर्सन एंड लाइक हैव अ राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर वर्क. दैट इज व्हाट आई सजेस्ट एडिशनली टू व्हाट पीपल सजेस्ट यू नो दोस हार्ड वर्क एंड ऑल डेडिकेशन थिंग. नहीं सर ये तो सही है, पता मैं भी नॉन टेक्निकल गोल्स मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और आज मैंने कुछ सीखा है, तो नॉन टेक्निकल गोल्स तो मैं सेट करूंगा नेक्स्ट डे से. तो आई थिंक दिस वाज इट. थैंक यू सर फॉर कमिंग. एंड टुडे मी एंड कुलदीप वी टॉक्ड टू आई थिंक वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी बेस्ट अपकमिंग साइंटिस्ट. सो थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू कुलदीप. थैंक यू सर. तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो. धन्यवाद. कॉन्फिडेंशियल क्या पुतिन के साथ काम कर रहे हो क्या? जब पाकिस्तान को उड़ा देंगे तो समझ आएगा. पाकिस्तान में घुस चला के छोड़ा ना मत. अरे सर देखो बढ़िया है, जाने दो उसको. ये फैसला तो सर कब 23 तारीख के रात को लिखता पाकिस्तान वो एयरफोर्स की स्लीप टाइट एयरफोर्स इज डिफेंडिंग यू, रात को जब पूरा हमला हो गया उसी रात का ट्वीट था भाई.